आज हम लोग आलू का नमकीन बनाएंगे। उसके लिए हम लोग पहले इसे पील करेंगे, फिर इस ग्रेटर की सहायता से मोटे वाले इस तरफ से हम इसे ग्रेट करेंगे। ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च बाहर निकल आए। हम इसे टॉवल ड्राई करेंगे, इस तरह से हम इसे फैला देंगे और इसका सारा पानी अच्छे से हम सुखा लेंगे। इसको फैन में नहीं सुखाना है, टॉवल ड्राई ही करना है हमें। इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। मिक्सी जार में रेड चिली, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और ये नॉर्मल सॉल्ट, सबको हम एक बार पीस लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाए। देखिए अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इधर कड़ी पत्ता, इसको भी वॉश करके ड्राई कर लिया है। और ये मूंगफली थोड़ा सा चाहिए। अब चलिए पहले इसको हम फ्राई करते हैं। गैस ऑन करके मैंने इधर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपने आलूओं को फ्राई करते हैं। हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़े थोड़े से आलू डालेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरह सुनहरा कलर आने के तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे। बाकी के बचे हुए आलुओं को भी हम इसी तरह छोटे छोटे बैचेस में फ्राई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। इसी ऑयल में इस मूंगफली को फ्राई कर लेंगे, कड़ी पत्ता को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा आलू, कड़ी पत्ता, मूंगफली सब हमने फ्राई करके इस तरीके से टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब जो हमने हम मसाला तैयार किए थे वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही। और ये आपका यम्मी सा आलू का नमकीन रेडी है। ठंडा होने के बाद आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसे रख सकते हैं और 15 दिन तक आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही इनोवेटिव केक स्नैक्स बनाएंगे, ये मुरमुरा, इससे हम लोग स्नैक्स प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसको को सोक करना है। हमारा पानी में अच्छे से सोक हो चुका है। ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स है। बाउल में मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया हुआ है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी एक ये बड़ा प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर रखा है। ये एक ग्रीन चिली है। ग्रीन चिली आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतना ले सकते हैं। ये कैप्सिकम है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर रखा है। ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। ये मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, अजवाइन, रेड चिली पाउडर, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप तीखा नहीं खाते हो ज़्यादा, ब्लैक सॉल्ट, हल्दी पाउडर, नॉर्मल नमक। कटा हुआ धनिया पत्ती
और उसके बाद जो ये हमने मुरमुरा सोक करके रखा था वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और अब इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। पहले हम ऐसे मिक्स करेंगे, अगर हमें पानी लगेगा कि हमें पानी ऐड करना है तो आप पानी ऐड कीजिएगा। हल्का सा मैं पानी ऐड करूंगी। एक बार आप इस टिक्की को बनाएंगे आप आलू टिक्की खाना भूल जाएंगे। थोड़ा सा और, बहुत ज्यादा रनी नहीं बनाना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। उसके बाद हम इससे अपना टिक्की बनाएंगे। हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और इसको टिक्की का शेप देंगे। इस तरीके से आप एक टिक्की का शेप। मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब अपनी टिक्कियों को हम इसमें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। हाई भी नहीं रखेंगे और लो भी नहीं रखेंगे। जब एक तरफ से सिक जाए तब हम दूसरे साइड इसे पलट। एक तरफ से सिक चुका है, अब आप इस तरीके से दूसरे साइड पलट दीजिए। और इस साइड भी हम अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे। दोनों साइड अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन करके इस तरीके से किचन टॉवल पे आप निकाल लें और बाकी की टिक्कियां भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सुपर क्रिस्पी मुरमुरा टिक्की हमारा रेडी है। इसको आज मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। कॉर्न का कचौड़ी हम लोग बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसको इस तरीके से किचन टॉवल पे स्प्रेड कर दिया है ताकि एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए अच्छे से। वो मिक्सी के जार में ये हमारा जो कॉर्न था उसको ट्रांसफर करेंगे। एक ग्रीन चिली, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो, थोड़ा सा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। अब इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है और दरदरा पेस्ट बनाना है। ये हमारा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। इस तरीके का दरदरा आपको पेस्ट बनाना है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, आमचूर पाउडर, रेड चिली, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं, किचन किंग 1 टीस्पून, गरम मसाला, नमक स्वाद के हिसाब से और हल्दी पाउडर। ये हमारा मसाला रेडी हो गया।
कढ़ाई रखने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी और थोड़ा सा सौंफ। अब तड़के को अच्छे से हम पका लेंगे। तड़का हमारा अच्छे से पक चुका है, अब ये जो हमने मसाला रेडी किया था ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब जो हमारा ये कॉर्न था इसमें हम ऐड करेंगे। हमें अच्छे से फ्राई करना है इसको। बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्न में मॉइस्चर होता है तो उसको हमें ख़त्म करना है और इसको अच्छे से हमें भूनना है। इसे 7 मिनट फ्राई करने के बाद ये इस तरीके से हुआ है। थोड़ा सा और हम अभी इसे फ्राई करेंगे, 1-2 मिनट और, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। मैंने बाहर निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद अजवाइन और ऑयल डाल के इसका मोयन करेंगे और मीडियम टू सॉफ्ट डो लगाएंगे। इस तरीके से अपने हाथों से अच्छे से क्रम्बल करते हुए हल्का हल्का पानी डालते हुए इस तरीके से डो हमारा रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इस तरीके से हम पेड़ा कट कर लेंगे और ये जो मेरा स्टफिंग है हमारा, इसको भी हम इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और इधर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई के गर्म होने पे मैं ऑयल डाल, मैंने डो को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इधर स्टफिंग भी डिवाइड कर दिया। इधर मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब चलिए कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से अपने हाथों से इसको और फिर इसके अंदर आप स्टफिंग डाल दीजिए और इसको अच्छे से अंदर की तरफ पुश करते हुए इसको इस तरीके से बंद करना है। बंद अच्छे से कीजिएगा ताकि आपका कचौड़ी खुले नहीं। इस तरीके से और फिर अपने पाम की सहायता से इसको इस तरीके से आप फैला दीजिए। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को तैयार कर लेते हैं। इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। फुली फुली हमारी कचौड़ियाँ रेडी हो रही है। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब हम दूसरे साइड से फ्लिप कर देंगे। अभी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आज हम लोग इस लेफ्ट ओवर ब्रेड से दिवाली के लिए एक अमेजिंग स्वीट्स तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस मिक्सी जार में ट्रांसफर करूंगी और इसे हम लोग पीस लेंगे। कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, इसका एक क्रम तैयार करना है कि इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक बड़े इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें कुछ चीजों को हमें मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, इसको हम इसी क्रम में ऐड करेंगे जो हमारा ब्रेड का मिक्सचर था। और ये मेरे पास मिल्क है, मिल्क जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमें एक इसका डो प्रिपेयर करना है। तो चलिए इसका डो बना ले। तरीके से
हमने डो प्रिपेयर कर लिया, अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट रख देंगे, तब तक हम इसका चाशनी रेडी कर लेंगे। मैंने हाफ कप शुगर लिया हुआ है और सेम क्वांटिटी में जितना चीनी उतना पानी। मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने हाफ कप ही शुगर लिया हुआ है और हाफ कप पानी ऐड करके इसको, इसमें मैंने एक दो केसर के धागे भी ऐड कर दिए हैं। ये इलायची है, इसको भी मैं क्रश करके इसमें ऐड कर, इसका फ्लेम ऑन कर दिया और इधर मैंने पानी भी ऐड कर दिया। अब हम इसे एक तार की चाशनी तैयार, हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड में कर देंगे और हम अपना जलेबी बना, इस तरीके से हमें छोटा छोटा पेड़ा कट करना है और इसको बिल्कुल आप चिकना कर लें और फिर उसके बाद इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे रख के इसके हाथ इस तरीके से आपको शेप देना है। इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपको इसको चिकना कर लेना है इस तरीके से, और फिर इसको इस तरीके से घुमाते हुए हमें ये इस तरीके से जलेबी का शेप देना है। घी रख दिया है गरम होने के लिए और अच्छे से गरम होने के बाद हम इसे मीडियम हीट पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो घी के जगह कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें लो फ्लेम पे करना है, दोनों साइड से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी के जलेबियों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। जलेबियों को शुगर सिरप में डिप करेंगे। डिप करके 5 मिनट छोड़ देंगे, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा जलेबी रेडी है। सो आप सभी से एक बार ज़रूर बनाएं और आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।